हेलो एवरीवन, मेरा नाम सह अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। फिर से आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की होने वाली है। एक इंडिया का एक इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें अमिताभ बच्चन भाई कुछ सवाल पूछेंगे छोटा सा बच्चा से, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो भाई देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देखते हैं आज की वीडियो। भाई साहब तैयार हो जाइए, छठा प्रश्न आएगा। 20,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। एक ही आपको हम तस्वीर दिखाएंगे और वो ये है कि इस स्वतंत्रता सेनानी को पहचाने, आइडेंटिफाई दिस फ्रीडम फाइटर। कैन यू सी द पिक्चर प्लीज। देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कौन है कुछ शहीद भगत सिंह, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको पहले ही पता भाई। हेलो बाबा फन। हाँ। बच्चे ने पहले जवाब दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उत्तर बताइए। सर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लॉक किया जाए। सी पर जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनको भारत रत्न 1991 में। और जो की एक बार बात बोलनी थी, उनको जो भारत रत्न मिला था 1991 में, उनके साथ और भी दो लोगों को मिला था, वो जो है वो है राजीव गांधी जी और मोरारजी देसाई जी। चलते हैं आगे भाई साहब। अब आएगा आपके सामने सातवां प्रश्न। हाँ। ठीक है, इसका मूल्य है 40,000 पॉइंट्स। 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। आपको इनमें से क्या आमतौर पर एशिया के मानचित्र पर नहीं मिलेगा? Which of these would you use to find on a map of Asia? ऑप्शन देखिए। ए ब्रह्मपुत्र रिवर, बी रशिया, सी हिमालय, रशिया एंडीज माउंटेन्स। सर प्लीज लॉक। ब्रह्मपुत्र नदी, रूस, हिमालय या एंडीज पर्वत। सर प्लीज लॉक। देख लीजिए सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी एंडीज माउंटेन। अच्छा भैया एंडीज माउंटेन। यार मैं गलत हूँ। क्या बात है, सात प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 40,000 माफ है, किस्मत वाले हैं कितना जिन्ना बच्चे डे इंटेलिजेंट। हां एशिया वाले कॉन्टिनेंट में नहीं है और ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज। अच्छा जी, एंडीज माउंटेन्स। ऑलराइट विराट जी, अब आएगा आपके सामने आठवां प्रश्न आएगा। 80,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। पूछिए। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ग्वालियर टैंक मैदान, जहां भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, का नाम बदलकर एक घटना की स्मृति में क्या रखा गया था? यस सर। व्हाट वाज ग्वालियर टैंक मैदान वेयर द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, रीनेम टू कमेमोरेट द इवेंट। ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन तो पहले ही दस छड़े। क्या बात है यार, जबरदस्त इंटेलिजेंट। ए जुलाई क्रांति मैदान, बी अगस्त क्रांति मैदान, सी सितंबर क्रांति मैदान, डी अक्टूबर क्रांति मैदान। सही उत्तर बताइए। प्लीज लॉक ऑप्शन बी अगस्त क्रांति मैदान। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब है। 80,000 रुपया बचेंगे तो ले। चलते हैं विराट भाई साहब, नवा प्रश्न आएगा आपके इस खेल के जीवन में और वो 1,60,000 पॉइंट्स के लिए। नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्रिस्टोफर हिपकिंस 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री बने?
क्रिस्टोफर हिपकिंस बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री इन द ईयर 2023? जहाँ पर भी न्यूजीलैंड होगा ना उसको नॉक कर दीजिएगा। न्यूजीलैंड भाई यार मुझे नहीं पता और उनको पता है, मम्मी कितना इंटेलिजेंट बच्चा है ये। और आपके ऑप्शंस हैं ये भाई साहब, ए ऑस्ट्रेलिया, बी प्लीज लॉक ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, सी जमैका, डी ब्राजील। ओके सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। उसके लिए तो ये एक खेल है मम्मी, ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दीजिए, मजाक चल रहा है। यार क्या बात है। अच्छा, ये भी जानकारी दे दीजिए कि जनवरी 2023 में जेसिंडा आर्डन के इस्तीफा देने के बाद क्रिस हिपकिंस ने पदभार जो था ये संभाला। उनका निकनेम मालूम है क्या है? निकनेम? हाँ, उनका निकनेम है चिपी। चिपी, चिपी। याद रखिएगा इसको, ठीक है? ओके। अब भाई साहब एक चेतावनी, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। हाँ। आ गया है 10वां प्रश्न, मिलेंगे आपको 3,20,000 पॉइंट्स जी। ऐसा हो सकता है कि मैं खेल छोड़ के चला जाऊं अभी, क्या जरूरत है? विराट भाई साहब, विराट भाई साहब, 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स, पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुपर स्मैश और बिग बैश लीग किस खेल की कुछ प्रतियोगिताएं हैं? सुपर स्मैश एंड बिग बैश लीग आर कॉम्पिटिशंस इन विच स्पोर्ट? ऑप्शंस ए क्रिकेट, बी बेसबॉल, सी बास्केटबॉल, डी कबड्डी। जो लाइफलाइन है आपके पास अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ज्ञानास्त्र, ज्ञानास्त्र। ओके शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे, ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब विराट जी जैसा कि आप जानते हैं, हाँ जी, इससे ये प्रश्न जो है ये पलट जाएगा, एक और प्रश्न आएगा आपके सामने। इससे पहले कि वो प्रश्न आए सबसे पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा, तो किसी एक को गेस कीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए क्रिकेट। क्रिकेट? हाँ। ए क्रिकेट, मुझे नहीं लगता सही होता है। सही था? अच्छा सही है, उन सबको सिखाया हुआ कि जब ऐसा हो जाए तो हो। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग T20 क्रिकेट के मुकाबले। अब भाई साहब ज्ञानास जी को आपको इस प्रश्न को हटा देंगे, और आपने जो विषय जो सब्जेक्ट आपने बोला था वो क्या था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोला, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के आधार पर अगला प्रश्न आएगा, और इसके लिए आपको वो मंत्र बोलना पड़ेगा, जल्दी से बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। पलट दिया जाए प्रश्न को। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है, ज्योग्राफी आपका विषय है, इस राज्य की राजधानी क्या है? तस्वीर दिखाई जाए, तस्वीर दिखाई जाए कंप्यूटर जी। What is the capital of this state? कहीं भी लखनऊ होगा तो लॉक कर दीजिएगा। लखनऊ। ऑप्शन रखता हूँ आपके सामने भाई साहब, ए गुवाहाटी, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी लखनऊ। क्या करें? लखनऊ को कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अब बोल दीजिए चेक आएगा ना। मजा आएगा आपको।
3,20,000 पॉइंट का चेक, तालियां बज जाए जोरदार जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, वीडियो खत्म हो गई है लेकिन अभी सवाल मजा बहुत था सच्ची में। ये ना टीवी पे अम्मी को शो दिखाऊंगी सारे के सारा जो है ना, पूरा शो अम्मी देखेंगे कैसा ये बच्चा खेला और क्या खेला, इतना इंटेलिजेंट बच्चा यार सच्ची में। मैंने एक ना गैस करने की कोशिश की तो वो भी मैंने गलत बोल दी, मैं अम्मी को बोल रही थी, अम्मी मुझे बोलती है इंडिया के जो बच्चे है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो मैंने कहा हाँ अम्मी होते हैं। अम्मी कहती है वो सवाल जो पूछेगा ना उसके जवाब तुम्हें भी नहीं आते होंगे। यार मोए मोए हो गया मेरे साथ मोए मोए यार, अम्मी सच्ची में ऐसा ही है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना। हमने मतलब इतना पढ़ा लिखा एमए किया लेकिन उस लेवल की एजुकेशन अभी तक हासिल नहीं कर पाए जिस लेवल की एजुकेशन इस बच्चे के पास थी। अम्मी उसके पास ज्ञान ही बहुत ज्यादा था और बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता होगा और इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा बच्चा है। मतलब हमारे यहाँ पे जो बच्चा है उसके दिमाग में तो एबीसी तक नहीं बैठती, तो वो बच्चा तो इतने इतने बड़े सवाल जवाब दे रहा, इतने बड़े बड़े और ये मुश्किल तरीन सवाल उन्होंने ढूंढे होते हैं जो हंस हंस के दे लिया। वो तो हंस हंस के ऐसे मजाक की मजाक था उसके लिए, तो यार जहाँ पे इंसान की पेंट गीली हो जाती है बड़ो बड़ों की, वहां पे वो बच्चा मजाक एज अ फन इस गेम को खेल रहा और इतने पैसे हमें जीत ले। और मुझे आई एम श्योर 100% के ये बच्चा 7 करोड़ रुपया जीत के गया होगा क्योंकि उन्होंने अम्मी प्राइस रखी है 7 करोड़, और वो बच्चा जीता होगा तो उसके माँ बाप के तो तारे नारे हो जाए हो गए। कैसा लगता है आप बताए ना, बच्चा तो माँ बाप कितने खुश थे, माँ बाप यार जो बहुत खुश थे, लोग तो कहते ही हैं इंडिया के जो लोग हैं उनको कितना ज्यादा प्राउड हो रहा होगा अपने बच्चे पे, हमारा बच्चा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट। और सबसे ज्यादा प्राउड की बात उसके माँ बाप के लिए जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया और इतना हाँ इतनी अच्छी तालीम दी। और हमें ऐसे बच्चे पता कि क्या होते हैं, वो आपसे हर सवाल का जवाब पूछेंगे, ये क्या है ये क्या है, अम्मी इसमें क्या चीज है, ये किस लिए बनाई गई, ये क्यों है क्या है, उसके पीछे नाम है माँ बाप को पता हो ना तो वो खुद रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यार सल्यूट है सच्ची में अम्मी ऐसे बच्चों को जो इतना मतलब क्या बोला जाए, इतना इंटेलिजेंट बच्चे हैं दुनिया में, ऐसे नहीं इंडिया का नाम रोशन ना, आखिर उनमें कोई ना कोई बात है तभी तो इतने रोशन है वो लोग। वीडियो बहुत अच्छी लगी, अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं।